I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Ah, Zarumini ki bua ki chitthi aa gayi. Haan bhaiya, meri chitthi ka jawab aa gaya hai. Bua ne sari baatein tay kar li hain. Bas tum jaake ladka dekho. Likha hai ladka sakshat devta hai. Devta? फिर तो वो तुम्हारे पूजा घर के लिए ठीक है, मीनी को इस चक्कर में क्यों डाल रही हो? अरे पूजने लायक स्वामी मिल जाए, इससे बड़ा लड़की का और क्या भाग्य हो सकता है? अच्छा, ये मीनी की बुआ ये ब्याह शादी की दलाली तो नहीं करती? पिछले 3 महीने में 4 रिश्ते भेज चुकी है। अरे हमारे लिए कुछ कर ही तो रही है, तुम्हारे तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठी तो नहीं। भैया मैं कहती हूँ एक बार जाकर लड़के को देख क्यों नहीं आती, उसमें हर्जी क्या है? लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जाऊंगा देख कर आऊंगा। अच्छा कब जाओगे? कहाँ ना देख कर आऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बस जल्दी चले जाओ, पता नहीं बीच में कौन भांजी मार दे। कल सुबह जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। जाओ भैया, ठीक हो तो बात पक्की कराना। ये कोई साग भाजी तो है नहीं जो गया खरीद लाए? तुम कह रही हो मैं जा रहा हूँ बस? ऐसा नहीं कहती, बड़ा घर है उनका, लड़का धान तीसी और पाट की दलाली में अच्छा कमा लेता है। है तो सिर्फ मैट्रिक पास। मैं तो जा रहा हूँ कहने के, न हो तो हमारी सौदामिनी से अंग्रेजी वगैरह पढ़ जाया करे, रोजगार में तरक्की होगी। मीनी जब देखो छत पर बैठी रहती है। देखो भैया लड़का घर में सबसे बड़ा है, एक छोटा भाई और बहन है, दोनों सौते, लेकिन घर बड़े की कमाई से ही चलता है। वो घनश्याम नाम है उसका। और पता है 2 गायें भी है घर में। घनश्याम। मिनी तेरे मामा जा रहे हैं। तुम सचमुच जा रहे हो मामा? तेरी माँ किस दे, एक बार होकर आता हूँ बेटी। एक गिलास पानी तो ला। बेफिक्र रह बेटी, मुझे सब मालूम है, वही होगा जो तू चाहती है। पीती रहो बेटी। जरा रुको भैया। हे भगवान तुम ही रखवाले हो। उस दिन तुम यहाँ से गई, माँ बहुत नाराज हुई। और नहीं तो क्या, एक तो इतनी देर से पहुंची, ऊपर से पानी में तरबतर। उस दिन का भी कैसा अजीब संयोग था, ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए सबको सजाकर तैयार किया गया हो। जब भी सोचता हूँ यकीन नहीं आता। लेकिन मुझसे कुछ न पूछो नरेन। इस बार कलकत्ता चला आया हूं। क्या है? साड़ी, तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? क्या बात है मिनी, तुम नाराज हो गई? जो कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें मालूम है? मालूम है। बहुत सी बाधाएं हैं। मेरे लिए कोई बाधा नहीं, डर तो मुझे तुम्हारा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बुआ, कहीं मुझे तुमसे अलग न कर दें। मामा के होते हुए मुझे कोई डर नहीं, जो मैं चाहूंगी वही होगा। लेकिन तुम बड़े घर के हो। मुझ पर विश्वास रखो मिनी, अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ त्याग कर भी तुम्हें अपनाऊंगा। मामा कब आएंगे? मामा को गए 2 दिन भी नहीं हुए, अभी से पगला उठी, ससुराल जाएगी तब कैसे रहेगी।
से आते हुए रास्ते में दिल का दौरा पड़ गया। जी हम लड़का अच्छा है, पास पास तो है नहीं, लेकिन उसके चेहरे में ऐसा कुछ है कि जी जाता है और कुछ देर तक उससे बातें करते रहे। भैया मिनी की शादी यहीं हो जाए तो अच्छा होगा। सुनो, ज्यादा बोलो मत, डॉक्टर ने मना किया है। लड़का तेरे ही जैसा है, भगवान पर बहुत विश्वास है उसे, हमारी मिनी सुख से रहेगी। मिनी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। क्या तेरी मामा तुझे बुला रहे हैं? बात है मामा, माँ को बुलाओ। तेरे मन की बात मैं जानता हूँ मिनी, नरेन को भी जानता हूँ, पर तेरे लिए घनश्याम ही ठीक रहेगा। नरेन प्यार कर सकता है मगर निभा घनश्याम ही सकेगा। मेरी शादी पक्की कर दी गई है। मामा की अंतिम इच्छा की उपेक्षा करना मेरे लिए आसान नहीं है, पर जानती हूँ जिस तरह मामा मेरी हर छोटी बड़ी गलती को माफ करते आए हैं, इसे भी कर देंगे। शादी की तारीख 25 है इसी महीने की। मुझे यकीन है तुम मेरी शादी कहीं और नहीं होने दोगे। मैं प्रतीक्षा करूंगी आखिरी क्षण तक, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मुझे मालूम था तुम आ जाओगी। थोड़ी सी देर होगी मिनी, तुम अभी से तैयार हो गई? और क्या, रात 10 बजे का लगन है, जाओ कपड़े बदल लो। इन्हीं कपड़ों से शादी करोगी तुम? अभी जाता हूँ, सोचा पहले तुम्हें बता दूं कि मैं आ गया हूँ। मुक्ता देख मेहमान आने शुरू हुए या नहीं।
और सुन, निखिल को कहना तैयार रहे, आज भी घनश्याम को फुर्सत नहीं, शादी के दिन भी काम। शोभा, मुझे गुलाब का इत्र देना। अच्छा। मैं लगाऊं? देती हूँ। मुझे करो। चलो भाभी। ओहो भैया, तुम तो बिल्कुल दुल्हा लग रहे हो, जैसे कि तुम्हारी ही शादी है। देख ले अपने भैया को, अभी तक शौक नहीं किया इनका। और देख अपनी भाभी को, शादी भैया की है और मुझसे लड़के 1000 रुपए का हार बनवाया है। सच भाभी? लेकिन तुम भी बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। चल हट। सुनो, मेरे कुछ दोस्त बाहर आए हैं, मैं जाता हूँ। और तुम? छोटी बहू। माँ। अरे अच्छा हुआ तुम सब यही हो। चारू, सारे गहने दिखाने हैं, तुम गहनों के पास ही चलना। और हाँ, अच्छा अच्छा चलो, सब लोग आने शुरू हो गए। चौधरी जी के घर से सब लोग आ गए। अच्छा अच्छा चारू चल, तू भी चल। चल, आज पान नहीं खिलाओगे क्या? कितनी सुंदर है, ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाती है। हाँ, घर छोड़कर उदास हो गई। ऐसे नहीं बोलते, अच्छा नहीं होता। हाँ, बेचारी शर्मा रही है। तुम सब आ गए। वैसे हमारी घनश्याम को धूमधाम पसंद नहीं, सो मैंने कुछ नहीं किया। वो तो ये दहेज भी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन तुम सब तो जानती हो, ये सब कुछ करना ही पड़ता है। वैसे दिखाने को कुछ दिया ही नहीं। अरे चारू, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? चल, ये सब रोक दे। भैया, भैया की शादी है और वो भी दूसरी, और तुम लोग तो जानते हो भैया को नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं, पुराने ख्याल आपके हैं। मेरी बात और है, मेरी शादी होती तो जरूर दिखा लेता। फिर यार कर लो ना एक और शादी, तुम्हारे भैया की दूसरी है ना। भाई, भैया की पहली बीवी ने तो उन पर बड़ी मेहरबानी की, चुपचाप चल बसी। लेकिन हमारी बीवी की हम पे इतनी मेहरबानी कहाँ। नहीं तो जरूर दिखाता कि शादी क्या होती है। फिर भी यार निखिल, ये कैसे शादी, कम से कम गाने बाने के एक हाथ तो बैठे होनी चाहिए। चलो सुन, तुम ही कुछ सुना दो यार। अच्छा रघु, तुम तबला और हारमोनियम पकड़ो, फिर जमाते हैं। आओ बहू, आओ बहू, यही तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा और घनश्याम का। घनश्याम ही इस घर का बड़ा है, मैंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ। वैसे वो मेरे लिए निखिल से भी बढ़कर है। ये मेरी छोटी बहू शोभा तुम्हारी मदद करेगी। अब ये गृहस्थी तुम्हारी है, तुम ही संभालो इसे। गृहस्थी का सारा बोझ तुम पर डालकर घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम तो ले सकूं। हाँ, घर में तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? मिनी। मिनी, मैं भी तुम्हें मिनी कहकर बुलाऊंगी। अच्छा मिनी, अब मैं चलती हूँ। जीती रहो मिनी। ओह तारू बेटी, आज रात को मालिश कर देना। अच्छा। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो, मिनी थक गई होगी। नहीं माँ, हमें यहीं रहना है। अच्छा बाबा, अच्छा चल चारू, हम भी चलते हैं, दीदी को कपड़े बदलने। जी जी, आते ही होंगे। बैठो ना, चली जाना बाद में। नहीं, हमें जाना चाहिए, हम कल सुबह आएंगे फिर बातें करेंगे। हाँ चलो। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.